लौटते समय जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने किसी अधिकारी को कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना कि हम जिंदा वापस आ गए, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है। देखिए, अगर ये स्टेटमेंट केवल हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, ये स्टेटमेंट केवल भारत तक रह जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, एक विदेशी मीडिया जब इसे सुनेगी तो क्या सोचेगी कि कोई प्रधानमंत्री अपने देश में कह रहा है कि हम सुरक्षित जिंदा वापस आ गए। आप ये बोल सकते थे प्रधानमंत्री के कार्यालय के जो भी अधिकारी हैं कि हम सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन जो होता है ना कि जिंदा वापस आ गए, काफी हार्ड वर्ड हो जाता है ये, कि मतलब आपने ऐसा बोल रहा है, क्योंकि देश आप ही का है। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री से ही हमारी पहचान होती है। कोई राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं जानता है, किसी को नहीं पता कि अमेरिका के 50 राज्यों में किसी एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, सब वहां जो बाइडेन को जानते हैं। अगर मान के चलिए पुतिन कहते हैं कि बहुत धन्यवाद कहते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री को कि हम जिंदा वापस आ गए, तो भारत के लोग क्या सोचेंगे? आपको जानकर ताज्जुब होगा, चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले 2 साल से कहीं नहीं गया है, क्योंकि वहां गृह युद्ध का माहौल चल रहा है, लेकिन उसकी मीडिया ने इसको छुपा के रखा है। उसके प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग में जाते हैं, अभी तक कहीं 2 साल से बाहर नहीं निकला, क्योंकि आंतरिक कलह चल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इंडिया तक में है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद से सोच के देखिए, बाहरी मीडिया, ये इंटरनेशनल जो लीडर हैं, ये क्या सोचेंगे? क्योंकि जब ये लोग भी भारत में आते हैं ना, तो इन लोगों की भी सिक्योरिटी एसपीजी और एनएसजी कमांडो ही करती है, तो कल को ये सब भी कहेगा सब भैया तो आप अपने कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, तो विदेश में थोड़ी सी छवि खराब होगी। तो पंजाब में यहाँ पर है फिरोजपुर, आप देखिए पाकिस्तान से एकदम सट के है यहाँ पर। तो यहाँ जब गया भटिंडा एयरपोर्ट पर उतर गया, भटिंडा एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, बहुत ज्यादा वहाँ लगभग 1.5 लाख फौजी रहते हैं वहाँ पे। तो भटिंडा के बाद, भटिंडा तो जहाज से लैंड किए, उसके बाद हेलीकॉप्टर से जाना था, मौसम खराब था, इस वजह से इन्हें सड़क से जाना पड़ा। अब यहीं से गलतियां चालू होना चालू हुई, एक एक करके गलती समझते हैं। 100 किलोमीटर लंबी सड़क को क्लियर कराने की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की थी। सड़क से जाने का रास्ता पहले से तय नहीं था, अचानक मौसम खराब हुआ और हेलीकॉप्टर कैंसिल हुआ, जिस वजह से अमूमन इस रास्ते पर 2.5 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर के सफर में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। महज 3 घंटे के सूचना पर इसे खाली करा लिया गया। इस पे एसपीजी को सवाल उठाना चाहिए कि जहां 2.5 घंटे लगते हैं, 100 किलोमीटर लंबा है, इस पे आप इतना जल्दी क्लियरेंस कैसे दे सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ एसपीजी को आपत्ति जताना चाहिए, और यहाँ पे पंजाब पुलिस के डीजीपी को साथ रहना चाहिए, लेकिन वो वहाँ उपलब्ध नहीं थे, ये गलती थी वहाँ पे, उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ पर, इन लोग से ये गलती हुई है यहाँ पर। कॉन्वे सबसे ठीक ठाक चल रहा था। अगली गलती देखिए क्या होती है, जब भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का काफिला जाता है तो उनकी गाड़ियों में एक बहुत बड़ी संख्या होती है, 25 से 40 गाड़ियां रहती हैं, एक गाड़ियों का एक ग्रुप रहता है, लेकिन इन गाड़ियों के ग्रुप के आगे 5-7 गाड़ियां चलती हैं, जिसे हम पायलट कहते हैं, पायलट गाड़ी कहते हैं। उसमें सबसे आगे एक बाइक वाला रहेगा, देखिएगा इसमें, ये देखते रहता है कि सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक पुलिस की जिप्सी रहती है, इसे हम लोग रूट क्लियरिंग पार्टी कहते हैं, ये 5-6 के ग्रुप में रहते हैं सब, और जो मेन काफिला है उससे ये 3-4 किलोमीटर आगे होते हैं, ताकि ये पहले ही देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो जो रूट क्लियरिंग पार्टी थी, जो पायलट गाड़ी थी, इनको दिखाई नहीं, इन लोग की लापरवाही देखिए, इन लोग को नहीं दिखा कि सामने ट्रैक्टर लगाया गया है, रास्ता जाम है। कैसे ये लोग यही रास्ता बताते रहते हैं, वायरलेस पे पीछे कांटेक्ट में रहते हैं। जो मेन काफिला होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो पीछे रहता है 3-4 किलोमीटर, और ये वायरलेस पे रहते हैं कि ऑल क्लियर, हर किलोमीटर पे ये बताते रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भीड़ है यहाँ है, बाकी सब क्लियर। इन लोग को नहीं दिखा कि किसान ट्रैक्टर लेके एक सड़क के किनारे आए हैं, तो इन लोग की भी गलती है, पहले पायलट क्लियरेंस दिया कैसे गया और सड़क पर फंस कैसे गया। तो यहाँ पे भी ये गलती हुई, जो पुलिस की गलती थी। अब तक जो गलती बताई ये सारी पुलिस की थी। अब एसपीजी से कहाँ कहाँ मिस्टेक हुआ उसको हम समझते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बहुत बेहतरीन है, उनके अरुण कुमार सिन्हा, एके सिन्हा जी हैं, चीफ हैं अभी, आईपीएस अधिकारी हैं, ये बहुत हायर रैंक होता है। कितना बड़ा ये लोग बेवकूफी किए हैं जरा सोचिए, पीएम का काफिला लगभग आधे घंटे 20 से 30 मिनट फ्लाईओवर पे रोका है लोग, ये लोग बुद्धि देखिए ये लोग का, मतलब पुल पे रोक दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को। क्यों? तो भैया पुलवा आगे से जाम है। अच्छा ये बताओ, अगर पिछों से जाम कर देता तो पुल में पटक जाता। अरे भैया, अगर आपको 20 मिनट रोकना था, आपको लग रहा था जाम है, तो थोड़ा सा पीछे आके रुकते हैं, पुलवा पे चढ़ के काय लिए रोके हैं, फ्लाई ओवर पे हमारे प्रधानमंत्री को रोक देंगे भाई? ये एनएसजी एसपीजी से सवाल होना चाहिए कि, और ये प्रोटोकॉल में लिखना चाहिए, हिस्ट्री में जो डिफेंस है उसे पढ़ाना चाहिए कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति या वीवीआईपी को फ्लाई ओवर पे नहीं रोक सकते। यहां 20 मिनट रोक दिए, अगर दोनों ओर से प्रदर्शनकारी के रूप में कोई और अभी आ जाता, क्योंकि ये बॉर्डर से एकदम मैच 20 किलोमीटर यहां से पाकिस्तान आ जाता, पाकिस्तान की सीमा चालू हो जाती है, तो काफी करीब है, और नीचे से अगर फ्लाई ओवर को उड़ा देता सब, कोई आईडी या विस्फोटक लगा के सारा काफिला नीचे चलाता है यहाँ पे, ऐसा तो दिमाग लगा रहे हैं लोग। भाई आप थोड़ा सा पीछे हट जाते, सड़क पे रहते, कभी कुछ होता तो भाग तो सकते थे इधर उधर, फ्लाई ओवर दोनों ओर से जाम हो जाता, कहाँ जाते हैं आप लोग? यहाँ पे गलती एसपीजी की थी, यहाँ पर आप लोग को जवाब देना चाहिए, हम लोग तो भाई बताते हैं कहाँ गलती। दूसरी गलती, फ्लाई ओवर पे जब हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम जिंदा वापस आ गए, मतलब सिचुएशन क्रिटिकल हुई होगी वहां पर, तभी वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। जब इतना स्टेटमेंट हो गया और आपको वापस लेके आना है, तो आप आधा घंटा बाद लेके आइएगा जी। एसपीजी वाले लोग आप जवाब दीजिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर, अब देखिए हल्का सा मास दिख रहा होगा, आपको जब यू टर्न लेना है, देखिए कि आगे किसान है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको पहले से पता होगी, माहौल देख लीजिए क्या है क्या नहीं, तुरंत लेके हटिए, 2 से 3 मिनट हो गया, हाँ भाई खत्म, कैंसिल हुआ रैली, कैंसिल हुआ प्रोग्राम, हम वापस लेके आएंगे। तो एसपीजी हमारे प्रधानमंत्री को आधा घंटा रोक के रखेगी,
यहाँ एसपीजी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप आधा घंटा काई लिए रोक के रखे, वापस तुरंत लेके आना चाहिए। अगली गलती सुनिए ध्यान से, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और गृह मंत्रालय है और हमारे अजीत डोभाल साहब इनकी योग्यता पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ तो खैर बाहर में काम करती है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी टोटल इंटेलिजेंस ब्यूरो। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो को यह पता होना चाहिए कि जब जहाज हवाई मार्ग से मार्ग जब कैंसिल हुआ है तो जो रास्ता जा रहा है वो ग्रामीण मालवा होके जा रहा है भटिंडा के लिए, भटिंडा से ग्रामीण मालवा होते हुए ये हुसैनी वाला और फिरोजपुर जा रहा है, और ग्रामीण मालवा का जो क्षेत्र है वो एकदम हॉट पॉइंट बना हुआ है प्रदर्शनकारी के लिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैसे क्लियरेंस दे दिया कि अभी देख रहे हैं इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इतना बड़ा भीषण कई घटनाएं हुई, अभी किसानों में भी कुछ रोष था जो लखीमपुर की घटना को लेकर ये सब, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को क्लियरेंस कैसे दे दिया कि भैया उस रूट से ले जा रहे हो जहां प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री देश का होता है किसी पार्टी का नहीं होता है, तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी यहाँ फेल्योर है, सबको जवाब देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन मीडिया वाले ये सब सवाल तो पूछेंगे नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री जब वापस आए तो उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी मुलाकात किया। अब इस पे अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि आर्टिकल 356 लगा के राष्ट्रपति शासन यानी राजकीय आपात स्टेट इमरजेंसी लगाई जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है और लगातार गृह मंत्रालय ने भी पंजाब सरकार से मांगा है कि आखिर ऐसी क्या गलती थी कि मुख्यमंत्री वहां से रिसीव करने नहीं आए। तो मुख्यमंत्री का अपना कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर जूम में थे, रैली भले करेंगे लोग वहां कोरोना प्रोटोकॉल नहीं लगेगा लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोरोना प्रोटोकॉल लगेगा। दूसरा कि मुख्यमंत्री को छोड़ो हटाओ भैया तुम आए चाहे ना आए राजनीतिक मैटर है, लेकिन उस राज्य के डीजीपी को कि प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे रहना पड़ता है, और डीजीपी जहां रहेगा पुलिस प्रशासन ऐसे ही रहेगी क्योंकि किसी भी राज्य का सबसे बड़ा हेड होता है डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के काफिले में डीजीपी नहीं थे, ये तो एकदम सरासर गलत है। तो पंजाब पुलिस को इस पर